हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 11th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं आज आपको एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर का सॉल्यूशन अच्छी तरह से करके बताऊंगा। ठीक है, इसके पहले मैं वीडियो का पार्ट नंबर 1 और 2 अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 2 का सॉल्यूशन अच्छी तरह से और बेसिक कंसेप्ट ये सब बता चुके हैं। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से, बेहतरीन तरीके से। देखिए तो इसमें करना क्या है दोस्तों, तो इसमें देखिए बताया गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। परिमित है, अपरिमित है, तो आपको बताया है ना कि परिमित किसे कहते हैं, मतलब जिसमें संख्याओं की गिनती की जा सकती है, मतलब जिसको हम बता सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, वो परिमित समुच्चय कहलाएगा। और जिसके हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसका संग्रह नहीं किया जा सकता है, असंभव है, अपरिमित, अनगिनत, संख्याओं की संख्या अनगिनत होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, संख्याओं की जब निश्चित अनिश्चित संख्या हो जाएगी ना, बहुत सारे अनिश्चित संख्या, अपरिमित हो जाएगा, और जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिनती करके बताया जा सकता है, उसको परिमित। तो जैसे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। तो देखिए दोस्तों, आप पढ़े होंगे कि ग्राफ में जो होता है ये सब एक्स अक्ष होता है, ठीक है ना, और एक्स अक्ष इस तरह से होता है और इस तरह से वाई अक्ष होता है, ठीक है ना। तो आपको बताया गया कि ये एक्स डैश होता है, ये एक्स होता है, यानी एक्स अक्ष में जितने भी रेखा खींचिएगा, ऐसे एक्स अक्ष के समानांतर बोला जा रहा है कि एक्स अक्ष के समानांतर समानांतर रेखाओं का समुच्चय। देखिए एक्स अक्ष के समानांतर कितना, बहुत सारा आप रेखा क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। एक्स अक्ष के समानांतर कितना, बहुत सारा, ए बी सी जितना भी खींचना है आप खींच सकते हैं, अनगिनत खिंचाएगा। क्या क्या ये अपरिमित रूप से देख रहे हैं ना, बहुत सारा हो रहा है ना, यानी कि हम एक्स अक्ष के समानांतर अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं, यानी कि इसका काउंट नहीं किया जा सकता कि हम कितना खींच सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए, यानी कि ये क्या हो गया, अपरिमित रूप से बढ़ते जा रहा है, यानी कि आप जितना चाहेंगे उतना आप खींच सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि इसका संग्रह करना मुश्किल है, ठीक है ना, ये बताना संभव नहीं है कि कितना तक हम खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर, तो ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। यहाँ पे लिख देंगे उत्तर में, लिख देंगे कि एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स अक्ष के समानांतर अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, अतः यह क्या है, अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित, ठीक है, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, ये हो गया अपरिमित समुच्चय। ये समझने के लिए आपको बताया कि एक्स अक्ष के समानांतर हम बहुत सारे रेखाएं खींच सकते हैं, खींच सकते हैं ना, तो इसलिए क्या हो गया, ये अपरिमित समुच्चय हो गया। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय बोल रहा है, तो आपको तो बताया गया ना अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो 26 लेटर होते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी डॉट जेड तक ले, यानी कितना होता है, टोटल 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है ना, जिसमें आपको 5 को भवेल होता है, ए ई आई यू आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, और 2 होता है वाई, डब्ल्यू और वाई क्या होता है, सेमी भवेल होता है, ये आप पढ़े होंगे, और ये जो होता है, यहां तक ले तो आप समझ गए कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय बोल रहा है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, तो बस अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय बोल रहा है, तो ये 26 अक्षर होते हैं ना, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने होते हैं, 26 अक्षर होते हैं ना, 26 अक्षर होते हैं, ठीक है, यानी कि हम देख लिए काउंट कर सकते हैं, ए बी सी डी डॉट हम लिख सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, ये इसलिए क्या हो गया यह, अतः यहां क्या हो जाएगा, ये आपका अपरिमित समुच्चय है, क्या हो जाएगा, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय है, इसकी गिनती की जा सकती है ना, इसकी, इसको बताया जा सकता है, चाहे इसकी गिनती की जा सकती है, या आप चाहेंगे तो आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं, ठीक है ना।
बच्चा इतना ही छोड़िए, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में आप बता ही दिए कि 26 अक्षर होता है, यानी कि समझ गया कोई भी आदमी समझ सकता है कि 26 वो अक्षर है, हम आसानी से उसको संग्रह कर सकते हैं, इसलिए क्या हो गया यह अपरिमित समुच्चय हो गया। ये समझ गए, ये भी अपरिमित समुच्चय हो गया। नहीं, ये देखिए यहाँ पे 26 अक्षर होते हैं, यानी कि ये परिमित हो गया ना, हम बता सकते हैं, जिसकी काउंट कर सकते हैं, बताया जा सकता है वो परिमित हो गया, और जिसका काउंट नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता, उसको हम लोग अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। इसलिए ये परिमित समुच्चय हो गया, ये अपरिमित समुच्चय हो गया। अब चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का 3 नंबर सोल्यूशन करेंगे और 4 का सोल्यूशन करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। परिमित और अपरिमित बताना है हमें, ठीक है? तो बस इसका उत्तर लिख देना है आपको कि परिमित है कि अपरिमित। देखिए उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो, तो 5 के गुणज होने वाला, ठीक है ना, 5 के क्या बोला है, गुणज, 5 के गुणज, ठीक है? तो 5 के गुणज कौन कौन सा होगा संख्या, देखो तो 5, 5 × 10, 5 × 3 = 15, इसे डॉट डॉट आप अनंत तक ले जा सकता है। 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे आप अनंत तक ले, कितना पढ़ाएंगे जी, 5 के 12 में कितना तक जाएंगे, अनंत होगा, संख्या अनगिनत है, या इसमें संख्या क्या है, अनगिनत है ना, इसमें अव्यय क्या हो रहा है, अनगिनत हो रहा है, इसमें अव्यय क्या हो गया, अनंत है, ठीक है, अनंत, चाहे अनगिनत भी लिख सकते हैं, अनंत लिख दीजिए, चाहे आप क्या लिख सकते हैं, अनगिनत लिख सकते हैं, अनंत है, इसलिए क्या हो जाएगा, चाहे आपका अतः क्या हो जाएगा, यहां आपका क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय है। देखिए अपरिमित समुच्चय क्यों हो गया, क्योंकि देखिए इसमें देख रहे हैं 5 के 12 आप बढ़ते जाएंगे, माने 5 का गुणज 5 × 10, 5 × 3 = 15, 5 × 20 ऐसे कितना बोलेंगे, अनंत तक ले जाएगा, यानी कि इसमें अव्यय जो होगा, इसमें अव्यय जो आएगा बहुत ज्यादा आएगा, अनंत आएगा, इसलिए हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, यानी अपरिमित समुच्चय हो गया ना, निश्चित नहीं है, इसी तरह से इसमें देखना है। अब देखिए इसका उत्तर लिखना है दोस्तों, तो कैसे लिखना है, कह रहा है कि मूल बिंदु 0 0 से होकर, देखिए मूल बिंदु हो गया, इसके ऊपर ऐसे एक वाई अक्ष होता है, यहाँ पे नीचे ये एक अक्ष होता है, ये मूल बिंदु होता है, और ये बोल रहा है कि मूल बिंदु से आपको क्या करना है, वृत्तों का समूह। जब देखिए मूल बिंदु से कुछ भी थोड़ा सा दूरी लेते हैं तो ये मान लीजिए इतना हो गया, फिर कुछ दूरी और लेते हैं तो फिर हो गया, फिर कुछ दूरी लेते हैं तो इतना हो गया। अब इसमें दूरी की जिक्र नहीं किया है कि कितना सेम दूरी लेकर आपको वृत्तों का समूच बोल दिया है, तब हम देखिए मूल बिंदु पर कितना वृत्त बना सकते हैं, अनंत वृत्त बना सकते हैं, अनंत, ठीक है ना, तो यही लिख देंगे दोस्तों कि मूल बिंदु से क्या किया जा सकता है, मूल बिंदु जो होगा यहां लिख देंगे कि मूल बिंदु 0 0 से होकर बहुत सारे वृत्त बनाए जा सकते हैं, मूल बिंदु से 0 0 से होकर अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं, अनंत वृत्त बन सकते हैं, ठीक है, देखो देखो तो कहा क्या कहा जा रहा है कि मूल बिंदु से होकर अनंत वृत्त बन सकते हैं, बहुत ज्यादा वृत्त आप बना सकते हैं, पता है ना कि कैसे कैसे बनाना है आपको, कि ये हो गया मूल बिंदु, यहां से आप कुछ दूरी लेकर ये खींचिए, फिर चाहेंगे कुछ दूरी लेकर खींचिए, फिर चाहेंगे कुछ दूरी लेकर खींचिए, फिर इसी तरह से आप इसमें अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं, आप इसको अनंत वृत्त बना सकते हैं, इसमें थोड़े बोला है कि इतना सीएम लीजिए, इसमें बोल देता कि 5 cm के त्रिज्या लेकर तो एक ही बनाया जाता 5 cm, लेकिन इसमें ये नहीं बोला कि 5 cm की 10 cm की कितना नहीं बोला, यानी कि अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं, इसलिए क्या हो गया ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा यह अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित, ठीक है, अपरिमित समुच्चय है, ठीक है, क्लियर, ये हो गया अपरिमित समुच्चय, ये आपका तीसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल आसानी तरीके से। देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं, माने ए बराबर बी है या कि नहीं है आपको बताना है। तो देखिए ए समुच में जो जो अव्यय होगा वही समुच अगर आपको बी में भी दिखाई देगा
तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, यानी बराबर हम कहेंगे ए बराबर बी या नहीं तो नहीं कहेंगे। तो देखिए ना यहाँ पे ए में क्या है, ए बी सी डी, इसमें भी देखिए तो ए है बी है सी है डी है। हाँ बिल्कुल दोनों देखिए, अगर देखिए इस घर में जो जो व्यक्ति है वही व्यक्ति इस घर में है, भले कुर्सी लगा के अलग अलग बैठे हैं उसे क्या दिक्कत है। मान लीजिए इसका सीट तनी पहले था इसमें, इसका बाद में हो गया, उसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जो व्यक्ति इस घर में था ए में, वही व्यक्ति अगर बी घर में है तो समझ लीजिए कि वो दोनों बराबर है ना, दोनों के जो जो आदमी इसमें है वही आदमी इसमें है, तो दोनों बराबर हो गया ना, दोनों में बराबर है। तो बस यही आपको लिख देना है। तो कैसे हल करना है, लिख देंगे कि दोनों समुच्चय ए और बी में क्या है, ए बी सी डी है, दोनों समुच में है, दोनों है, दोनों समुच में ही है, इसलिए क्या हो गया ए बराबर बी है, ठीक है ना, ये उत्तर हो गया क्लियर। ए और बी दोनों में देख रहे हैं, ए बी सी डी है, ए बी सी डी है दोनों में, इधर उधर बैठा है उसे कोई दिक्कत नहीं, इसमें आइए। इसी तरह से इसको हल करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इसमें देखिए 4, 8, 12, 16 नहीं है ना इसमें, इसलिए नहीं होगा। लिख दीजिए कि चूंकि इसमें देखिए ए में 12 है, मतलब समुच्चय ए में 12, अब ये जो 12 है 12 है, लेकिन बी समुच में, समुच बी में, समुच बी में 12 नहीं है, 12 नहीं है ना इसमें, देखिए 12 है लेकिन इसमें 12 नहीं है। अतः आप क्या लिख सकते हैं कि ये ए बराबर बी नहीं है, नहीं है यानी कि नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, ए बराबर बी नहीं है, समझ गए ना। तो ये दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सोल्यूशन करेंगे। देखिए इसमें भी ए बराबर बी देखना है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं देखकर 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना। और यहाँ पे बोला है सम धन पूर्णांक है, तो सम धन पूर्णांक कौन होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है और 10 होता है, ऐसे बढ़ते जाता है। लेकिन बोला है कि x का मान जो है आपका 10 से छोटा चाहे बराबर, यानी 10 भी हो सकता है, 10 से छोटा यानी 8 तक ले जाएगा, या उसके बराबर भी बोला यानी 10 भी हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये बोल रहा है कि x का मान x एक सम संख्या है, धन धन पूर्णांक है धनात्मक, यानी सम भी बोल दिया, यानी सम 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे जाएगा, लेकिन 10 से छोटा चाहे बराबर यानी 10 तक ले हो सकता है। और यहाँ भी वही संख्या 2, 4, 6, 8, 10, यानी दोनों का देख रहे हैं दोनों घर में सेम व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी दोनों बराबर हैं। वैसे लिख देंगे कि चूंकि कि ए और बी समुच में, ठीक है ना, दोनों समुच्चयों में क्या है, तो आपका 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10 है ना, दोनों में है ना। अतः आप क्या कर सकते, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ए बराबर बी हो गया। इसी तरह से इसको भी हल कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। देखिए यहाँ पे बोला है संख्या जो है 10 का गुणज है, तो 10 का गुणज 10, 20, 30, 40 ऐसे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे देखिए 10, 20, 30 इसमें भी मिलेगा, लेकिन हमें 15 है ना, हमें 15 मिल रहा है आपको, नहीं ना मिल रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर कहाँ से होगा, नहीं ना होगा। तो ये बात यही है, हमको क्या करना है इसमें लिख देना है, ठीक है ना। चलिए तो वही बात लिखना है कि देखिए चूंकि जो आपका यहाँ पे बी, ये देखिए 15 जो है एलिमेंट है, अव्यय है ए का, किसका जी, किसका अव्यय है आपका बी का, बी समुच का अव्यय है, किंतु चाहे लेकिन, ठीक है ना, किंतु चाहे आप लेकिन लिख सकते हैं, किंतु किंतु क्या, तो किंतु है 15 जो है आपका अव्यय ए का नहीं है, नहीं है ना,
ये 15 जो है आपका ए में नहीं दिख रहा है, 15 इसमें नहीं, नहीं इसमें 10 के गुणन में 10 20 30 15 आ ही नहीं सकता है। तो यही एक से मतलब इससे ही खाली तुलना कर लिया तो यहीं पे आपका क्या हो गया, खत्म कर दिया कि दोनों बराबर नहीं है। अगर 25 से भी तुलना करेंगे तो 20 से भी 25 नहीं आएगा, तो एक ही से हमको पता चल गया। तो बस लिख देना है कि अतः आप क्या लिख सकते हैं कि ए नॉट इज इक्वल टू बी, ठीक है ना, ए और बी बराबर नहीं है। देखिए 15 बी का अव्यय है बट ए का, 15 जो ए का अव्यय नहीं है इसीलिए इस घर में है, बी में, बी घर में 15 रहता है लेकिन ए घर में 15 नहीं रह रहा है, तो दोनों बराबर कैसे होगा, बराबर नहीं होगा, इसलिए ए नॉट इज इक्वल टू बी होगा इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फर्स्ट बार मेरे चैनल पर आया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जितना भी वीडियो अपलोड हो ना सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, ठीक है। और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, ये सबसे पहले आप करिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं दूसरे वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है।